क्या होता है उस साबुन के साथ जो आप किसी होटल में यूज करके ऐसे ही छोड़कर चले आते हैं। अगर आपने कभी किसी होटल में समय बिताया हो तो आपको ये पता होगा कि होटल वाले लोग आपको साबुन की टिकिया, शैम्पू और कुछ होटल्स में तो कंडीशनर तक भी ठहरने आए लोगों को देते हैं। और जब लोग होटल से बाहर निकलते हैं तो शैम्पू और कंडीशनर तो वो अपने साथ ले लेते हैं, लेकिन वहाँ यूज की गई साबुन की थोड़ी अलग कहानी है। वो गीली होती है, यूज की गई होती है, तो हमारा मन नहीं करता कि उसे भी सूटकेस में डाल लें और हम उसे वहीं छोड़कर निकल जाते हैं। क्या आपने कभी ध्यान लगाकर ये सोचा है कि जो साबुन आप छोड़कर आए हैं बाद में उसके साथ क्या होता होगा? अब मैं आपको मिलवाता हूँ शॉन सिबलर से। उनके दिमाग में भी कुछ ऐसा ही ख्याल आया और जो बाद में पता चला वो सच में चौंका देने वाला था। शॉन एक आईटी इंजीनियर है और उनकी जॉब कुछ ऐसी थी कि साल में 5 महीने उनको घर से बाहर अलग अलग होटल्स में रुकना पड़ता था। इसका मतलब उन्होंने होटल्स में बहुत ज्यादा समय बिताया और एक रात उन्होंने ये सोचा कि जिस साबुन को उन्होंने अभी पैकेट से बाहर निकालकर सिर्फ एक बार यूज किया है बाद में इस साबुन के साथ क्या होगा। जब होटल स्टाफ से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस साबुन को अब फेंक दिया जाएगा। इसके बाद शॉन ने थोड़ी रिसर्च करी कि हर साल कितनी साबुन की टिकिया को पूरे अमेरिका में ऐसे ही फेंक दिया जाता है और वो बहुत ज्यादा उदास हो गए क्योंकि जो नंबर बाहर निकल कर आया वो बहुत ज्यादा था। इसके बाद उनके दिमाग में साबुन को रीबैजिंग करने का आइडिया आया। रीबैजिंग मतलब हम इसे रिसाइकलिंग भी कह सकते हैं, जिसमें साबुन को पिघलाकर फिर से तैयार किया जा सकता है। और फिर वो क्लीन द वर्ल्ड नाम की एक संस्था से मिले जिसमें उनको पता चला कि हर साल नहीं बल्कि हर दिन हजारों लोगों की मौत हो जाती है क्योंकि उनको सही साफ सफाई नहीं मिल पाती। मरने वाले लोगों में बच्चे खास तौर से शामिल होते हैं। अब शॉन ने अपनी नौकरी छोड़ दी और पूरी दुनिया को साबुन की रीबैजिंग के बारे में बताया और आज उनकी कंपनी ना सिर्फ आधी दुनिया में बल्कि हमारे भारत में भी काम कर रही है। शॉन की कंपनी होटल के साथ पार्टनरशिप करती है और लगभग 40 रुपए एक कमरे के हर महीने वो होटल से लेती है। इसके बदले वो होटल के द्वारा फेंकी जाने वाली साबुन को रिसाइकिल करने का काम करती है। और आज ये कंपनी ना सिर्फ साबुन बल्कि शैम्पू कंडीशनर के साथ साथ बॉडी वॉश भी रिसाइकिल करती है और रिसाइकिल किए गए सामान को दुनिया भर में बेघर लोगों में बांट दिया जाता है। कंपनी होटल के स्टाफ के साथ मिलकर हर महीने हर होटल से यूज की गई साबुन को उठाती है। कंपनी को शुरू हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ पर फिर भी वो बहुत बड़े स्तर पर आज पहुंच चुकी है। पिछले साल उन्होंने 4 लाख हाइजीन किट्स को पूरी दुनिया में बांटा जिसमें लगभग 70 लाख साबुन थे। और शॉन ने बताया कि अभी उनके पास कुछ देशों के लगभग 20% होटल ही हैं, मतलब अभी भी 80% से ज्यादा होटल की उनके साथ पार्टनरशिप नहीं है। शॉन अकेले ऐसे आदमी नहीं है जिन्होंने होटल में यूज की गई साबुन को देखकर इसे रिसाइकिल करने की सोचा हो। हमारे भारत में भी रहने वाले समीर लखानी भी कुछ ऐसे ही हैं, जिन्होंने इको सोप बैंक नाम की कंपनी खोली और ये भारत में बहुत से होटल से यूज की गई साबुन की टिकिया को उठाने का काम करती है और उसे सैनिटाइज करके फिर से नया बनाया जाता है। समीर ने अपनी कंपनी 2014 में खोली और आज वो हर साल 6 लाख से ज्यादा लोगों तक साबुन और कुछ हाइजीन प्रोडक्ट्स पहुंचाते हैं। सुंदरा भी एक कंपनी है जो साबुन को रिसाइकिल करती है और ये ना सिर्फ साबुन को रिसाइकिल करती है बल्कि दुनिया भर में सिर्फ महिलाओं को ही नौकरी करने का मौका भी देती है। इन सभी कंपनीज के स्टाफ समय समय पर उन लोगों के पास जाते रहते हैं जिनको साबुन की सख्त जरूरत होती है। जब ये कंपनी दुनिया में नहीं थी तब पूरी दुनिया भर में करोड़ों से ज्यादा साबुनों को ऐसे ही धरती में डिस्पोज किया जाता था। धन्यवाद दीजिए इन कंपनीज को जो हमारे पर्यावरण के साथ साथ लोगों का भी ख्याल रख रही हैं। तो अगली बार आप किसी होटल में जाएं तो उनसे जरूर पूछें कि क्या उनका होटल ऐसी किसी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। अगर नहीं तो उनको इन कंपनीज के बारे में जरूर बताएं और ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को साफ और स्वस्थ बनाने में अपना योगदान दें। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता चल पाए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।